बलहा की जनता की है यही पुकार, अब की बार समाजवादी सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता रमेश गौतम ने बलहा विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सपा नेता के द्वारा ग्राम सभा चहलवा में डोर टू डोर अभियान चलाया गया। इस दौरान सपा नेता रमेश गौतम ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन की बहाली के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली व प्रतिभाशाली बच्चों को विदेश पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान सपा नेता पूर्व राज्य मंत्री बंसीधर बौद्ध ने कहा कि बीजेपी सरकार युवा दलित किसान विरोधी सरकार है, दलित समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेगा। दौरान सपा नेता पहलवान मदन लाल यादव ने ग्राम सभा चहलवा के कई गाँव में घरों में समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताया और सपा नेता के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व बूथ अध्यक्षों सेक्टर संयोजकों से मुलाकात कर पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। सपा नेता के द्वारा किसान व ग्रामीणों से समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को कहा। हम लोगों को जो अगले बार अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे उसमें उन्होंने जो कार्य किया, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहला मुख्यमंत्री हैं जो सारा काम नया किया उन्होंने। जैसे 110 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर, वृद्धा पेंशन, समाजवादी पेंशन, उन्होंने जो कार्य किया वो काम आज के तारीख में बोल रहा है, इसलिए हम लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और गांव-गांव में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि यही फिर से यदि अखिलेश भैया की सरकार बनेगी तो आने वाला दिनों में 300 यूनिट बिजली फ्री, फ्री शिक्षा, विद्या कन्या विद्याधन और छोटे तबके के बच्चों को, लड़कियों को शादी के लिए 1,00,000 रुपया अनुदान देंगे। इसको तो अखिलेश भैया ने पहले किया, जो भरथापुर गांव है उस गांव को उन्होंने उठाने के लिए वहां से हटा करके और दूसरे जगह बसाने के लिए किया था। चूँकि समय कार्यकाल हमारा 2.5 साल का रहा, उस कार्यकाल में पास होते होते तब तक कार्यकाल खत्म हो गया। आने वाला दिनों में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देखो भाई साहब, हम लोग चूल्हे चौकी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो टिकट जिसको देंगे उसको हम लोग तन मन धन से मिलकर लड़ाएंगे। चाहे जिस भाई एक विधानसभा में एक टिकट है तो एक ही को तो किसी को मिलेगा। अखिलेश भैया ने ऐलान कर दिया कि जिसको टिकट मिलेगा उसको आप लोग ईमानदारी से जिताइए, इसलिए हम लोग चूल्हे चौकी की लड़ाई छोड़कर जिसको अखिलेश भैया टिकट देंगे उसको हम ईमानदारी से जिताएंगे। सभी सीट आज के तारीख में मैं जीत रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों तक, आम जनता तक डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता और हम सब लोग पहुँच रहे हैं। लोगों को इस बात से, लोगों से निवेदन कर रहे हैं आम जनता से कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करें जिससे आम जनता के हित में काम हो सके। 22 से 24 प्रत्याशी इस वक्त बलहा में अपना टिकट मांग रहे हैं, अगर किसी एक का टिकट होना है क्या फिर विरोध होगा? नहीं, विरोध किसी का नहीं होगा, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी टिकट दे देंगे हम सारे प्रत्याशी मिलकर के उसको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमको माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए जिनको भी वो आशीर्वाद देंगे उनके पक्ष में हम सब लोग काम करेंगे। बलहा विधानसभा क्षेत्र जो एक जंगल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में तमाम समस्याएँ हैं, एक सबसे बड़ा यहाँ नदी के जो कटान हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के अंदर। दूसरा, जंगली जानवरों से और अन्य जानवरों से लोग बड़े पैमाने परेशान हैं। हम सब लोग इन मुद्दों को लेकर के हमारी सरकार बनेगी तो उसका